के अंदर जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग की सीधी भर्ती निकाली थी, जिसके अंदर का 2 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें संविदा कर्मचारियों ने संघर्ष करके कल फाइनल पीओपी लिस्ट निकाली थी 28 अप्रैल को। उसके बावजूद कल और आज 2 दिन से जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ पे संविदा कर्मचारियों को वहाँ पे जॉइनिंग नहीं दी जा रही है, जबकि जो नए भर्ती फ्रेशर कैंडिडेट आ रहे हैं उनको कल की डेट में जॉइनिंग दे दी गई है। उसकी वजह से संविदा कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड है वो निर्धारित नहीं हो पा रहा और उनकी वजह से उनको वरीयता सूची में उनको जूनियरिटी मिल रही है। उस वजह से आज हम सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और नर्सिंग अधीक्षक महोदय के पास यहाँ पे उपस्थित हुए कि हमारे को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, जिसकी वजह से हमारा भी प्रोबेशन काल है वो 29 अप्रैल से मान्य किया जाए और हमें नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। परंतु अभी तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सही गाइडलाइन नहीं होने की वजह से अभी हमें भ्रमित किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें सारे जितने भी संविदा कर्मचारी मेरे साथी हैं उनको बहुत सारा दुख झेलना पड़ रहा है और वार्डों में भी जिनकी जो ड्यूटी लगी हुई है वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। वो भी इस जो जहां एक तरफ यहां खुशी की लहर थी जो नियमित नियुक्ति दी जा रही थी क्रम जो मेरे साथियों को, वहीं दूसरी तरफ यहां पे अभी तक नियुक्ति के लिए कोई भी निर्धारण नहीं किया गया। अगर हमारी कल तक हम सरकार को अल्टीमेट देते हैं कि कल तक हमारी नियुक्ति के बारे में कुछ निर्धारण नहीं किया गया तो हम आने वाले 1 तारीख के बाद में हम सामूहिक पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल करेंगे और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे राजस्थान के अंदर फिलहाल 6,500 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको किसी को भी नियमित नियुक्ति नहीं दी गई है, जबकि फाइनल पीओपी लिस्ट निकालने के बावजूद भी सरकार की सही गाइडलाइन नहीं होने के कारण सारे कर्मचारी इससे पीड़ित हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला उपाध्यक्ष। राजस्थान सरकार ने 28 अप्रैल को हमारी पीओपी की लिस्ट डाली थी तो उसमें स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने के कारण अभी हमें कोई नियुक्ति नहीं दी जा रही कहीं भी, इसलिए सारे संविदा कर्मचारी भ्रमित हो रहे हैं। आज हमने अधीक्षक महोदय से इनसे बात की, प्रिंसिपल महोदय से भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने कोई हमें स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता कुमारी यादव है।